सीरियस केस है, हार्ट अटैक हुआ है। प्लेन जितनी ऊंचाई पे उतना इनकी जान को खतरा है। हाँ हाँ, इन्हें जल्द से जल्द नीचे उतारना। नीता, तुम इनकी देखभाल करना, मैं देखता हूँ यहाँ कोई हॉस्पिटल हो या कोई मेडिकल एड मिल सके। प्लीज गिव मी द टॉर्च। एक मुसाफिर हूँ, हमारा एक साथी अचानक बीमार हो गया है। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। यहाँ पास में कोई गांव है, कोई दवाखाना है? दवाखाना? यहाँ कोई दवाखाना नहीं, कोई गांव नहीं। बताओ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे दूसरे साथी, बताओ? पहले ये बताइए आप लोग कौन है? हम कौन है बता दो इसे, हम कौन है बताते हैं या नहीं? तीन लो जो कुछ है इसके पास, निकाल लो खड़ी। Hey!
डॉक्टर सुनील, सुनील, डॉक्टर सुनील। मालूम होता है बहुत दूर निकल गया। मरीज की हालत तो अब ठीक हो गई है, मगर डॉक्टर सुनील अभी तक क्यों नहीं लौटे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। सुनील, डॉक्टर सुनील, तो ये है उसके साथ। तो आपको कोई आदमी मिला था? हमें कोई आदमी नहीं मिला। और सुना मैम साहब, तुम्हारे पास जो गहने पैसे हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? निकालो, जल्दी करो। ही माल
से बेहतर है। मालूम होता शहद चुराने आया था, वो देखो छत्ता। ना ना ना, शहद चुराने नहीं आया, ये कोई सहरे मालूम होता है। जरा ठहर तो। अरे विद्या, खून, खून किसने मारा है? अरे किसने मारा है? मैं देखती हूँ ये जिंदा है या मर गया। धड़कन तो चल रही है ना? हाँ, धक धक कर रहा है। हाँ, तो फिर जिंदा है। इसे घर लेके चले? हाँ, चलो 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 क्या है? कौन है आप? अरे तुम बाबा को नहीं पहचानते? पैदा हुए कितने दिन हुए? हाँ हाँ, इनका प्रताप चारों ओर फैला हुआ है, इन्हीं के धुनी से तो तुम होश में आए। ये सब ढोंगा ना खुद डॉक्टर है। डॉक्टर हो तो क्या हुआ, दवा इलाज तुम क्या जानो? इसीलिए तो पूछता हूँ कि पैदा हुए कितने दिन हुए। लो धुनी लो। मैं कहता हूँ हटाओ ये धुआं धुनी। अपमान, घोर अपमान, ये नहीं बच सकता। चलो बच्चा बुद्धिमान, चलो बाबा चलो। बापू रोको, बापू घोकर बाबा को रोको, ये हमारे घर मरेगा तो पापा हमारे सर होगा। अब कौन मुंह से रोकूं उन्हें? बाबा 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 क्षमा कर दो बाबा, वो नादान है, डॉक्टर है, क्षमा कर दो बाबा। अरे बाबा को नाराज करके कौन बचाए? दो घंटे में बेटा, बस दो घंटे में राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं। अरे विद्या तू तो कुछ बोलते ही नहीं, तू भी कुछ बोल ना। बुद्धिमान जी तुम्हें मेरी सौगंध, बाबा से कहो उसे इतनी जल्दी ना मारे। बिंदिया तेरी सौगन तो जा, दो घंटे में नहीं तीन घंटे में मरेगा, बस आगे कुछ मत बोलना। चौधरी हमारा सामान भिजवा देना। चलो बाबा चलो चलो। बिंदिया सारा किया कराया चौपट कर दिया। अबे जब मैंने दो घंटे दिए तो तू कौन होता है घंटा और देने वाला? बाबा हाँ, वो तो मैंने बिंदिया के कारण दिया था। बुद्धू भैया, बुद्धिमान। हे बाबा, बुद्धू नहीं बुद्धिमान। बुद्धिमान का बच्चा बहुत कहा, बहुत हाथ पांव जोड़े। फिर क्या हुआ? फिर मान गए, मगर बाबा न वहां जाएंगे न उसके दवा दारू करेंगे। हाँ राम, अब क्या होगा क्या होगा? एक उपाय है। क्या? तुमने सुना होगा कि पारसा से पहले 5 साल रघुवा धोबी गोलाघाट में बीमार हो गया था और उसका इलाज उसकी नाती छबुआ ने यहाँ बाबा से लिया, तो उधर वो गोलाघाट में अच्छा हो गया। अच्छा? अगर ये चपर कंजू का नाती संबंधी यहाँ हो तो इलाज हो सकता है। लेकिन यहाँ इसका कौन है, कौन लेगा इसके बदले इलाज? मैं। तू? हाँ हाँ मैं। तेरा क्या संबंध है? बिंदिया मैंने सुना है संसार में सबका एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता ही है। अच्छा? हाँ तो फिर ठीक है, आओ बाबा के पास चलो। हाँ। बाबू आपने घोगर बाबा को नाराज किया, ये अच्छा नहीं। आपके उस ढोंगी बाबा के श्राप से मैं मरने वाला नहीं। बापू बापू, अरे तुम तो खाने भी लगे। बोला भूख लगी है भोजन ला, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बापू बापू अब ये नहीं मरेगा, इसके बदले मैं इलाज लेकर आई हूँ। मेरे बदले इलाज? Thank you.
तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ मत आया करो, तुम्हारी वजह से तो इस गांव में आ बसा, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। क्या करूं भैया, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, मगर बेटी की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाती है। मैं काको लुटेरा सही, मगर एक बेटी का बाप। भैया भैया फुलवा सियानी हो गई, मैं उसके लगन के लिए सोने का हार भी ले आया। तुमने मानता मानी थी ना कि फुलवा के ब्याह से पहले तुम देवी को सोना चढ़ाओगे। वाह भैया वाह, देवी बहुत प्रसन्न होगी इस चढ़ावे पर। मंगल ही मंगल होगा फुलवा के सुहागन जीवन में, क्योंकि तुम जबरदस्ती किसी और सुहागन के गले से हार उतार लाए हो। लाखन, दूसरे के घर का छीना हुआ दिया अपने घर में कब तक उजाला दे सकता है। मगर तुमने अब तक क्या किया है, तुम भी तो मेरे बड़े भाई हो, फुलवा के चाचा। चाचा नहीं, बाप बनकर पाला है मैंने, और एक ईमानदार बाप की तरह मैं उसके हाथ पीले करूंगा। दाखन, मैंने फुलवा पे तुम्हारे बाप की छाया तक नहीं पड़ने दी, फिर कभी तुमने इस घर में पांव रखा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है, फिरो तुम अपने चोरी का माल वापस लेते जाओ। सेवा के बाद कौन बीमार रह सकता है। साहब भोगर बाबा की दवाई का असर है। हाँ मैं अभी जाकर और दवाई पीकर आती हूँ, फिर देखना तुम एकदम अच्छे हो जाओगे। हाँ बोली नहीं, मेरा नाम तो फुलवा है। जानता हूँ, मगर तुम्हारे दवा पीने से मैं अच्छा हो जाऊँ ये कैसे हो सकता है। हो सकता है नहीं हो, हो सकता है नहीं हो सकता, मैं कहती हूँ हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है बाबू नहीं हो सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता देखना बिंदिया, मैं कह रही हूँ कि घोगर बाबा की दवा मैं पी रही हूँ इसलिए ये अच्छे हो रहे हैं, और ये मानते ही नहीं मेरे बात। मानने हाँ, बाबू फुलवा सो ले आने ठीक कह रही है, अगर तुम्हारी संबंधी बनकर इसने दवा नहीं पी होती तो तुम कब के राम नाम सत हो गए होते। संबंधी, तुमने किस संबंध से दवा पी है फुलवा? किस संबंध से? बोल ना फुलवा, क्या तूने किस संबंध से दवा पी, बोल ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, देखो देखो मैं तुम्हारा बाजा देने आई थी। ये कैसे बोलता है बाबू? ये बोलता नहीं बजता है। हाँ ऐसे बजाओ ना। ए बाबू मुझे भी सिखा दो ना। ये लो बिंदिया, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, फुलवा को अपने आप आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। नहीं हो सकता है। हो सकता है। मैं कहती हूँ नहीं हो सकता है। हो सकता है। हो फिर वही हो सकता है और नहीं हो सकता का झगड़ा। ठीक ही तो कहता हूँ, अगर फुलवा के दवा पीने से मैं अच्छा हो सकता हूँ तो तुम्हारे सीखने से फुलवा क्यों नहीं सीख सकती। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम्हारा घोगर बाबा बिल्कुल गोबर बाबा है, ठग है, ढोंगी। हो सकता है, अब छोड़ ना, देरी हो रही है, मत निकालने चलना या नहीं। तू जा, मैं तो बाजा सीखूंगी। सिर्फ बाजा ही सीखना? हाँ लो बाबू सिखाओ। बहुत तलाश की गई, हर जगह ढूंढा गया, लेकिन सुनील का कहीं पता नहीं चला। कहीं मेरा बेटा अमरदेही डाकुओं के हाथ में तो नहीं पड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगी उसे ढूंढूंगी, आप मुझे वहां ले चलिए ना। हौसला,
मैं तलाश करवाता हूं। तमाम कार्रवाई चुपचाप करनी पड़ेगी। डाकुओं को अगर पता चल गया कि सुनील मेरा बेटा है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फुलवा, जब मैं घर पहुंचूंगा माँ पूछेगी, जिस लड़की ने तेरी जान बचाई, इतनी देखभाल की, तूने उसे क्या दिया? तो क्या जवाब दूंगा मैं? कहना बाबू, हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव है और उसमें एक छोटा सा घर है और उसमें रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ किया है ना फुलवा, वो तो हमारा धर्म था बाबू। बाबू, ये शंभू है ना, ये हर महीने हम सबका मद लेकर शहर जाता है, ये आपको बस के अड्डे तक पहुंचा देगा। ठीक है दयाल चाचा, मैंने आपको अपना पता दे दिया है, हमारे यहाँ जरूर आइए। राम राम। जी तेरे। अच्छा फुलवा, राम राम। राम राम बाबू। शंभू चलो। वाह साहब, कमाल है। तो आप खीर की तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी नहीं, खीर की नहीं, मैं तो सुनील की तकदीर की तारीफ कर रहा हूँ। 4 साल से जिस डाकू की सूरत देखने के लिए आप तरस रहे हैं, भारत आते ही सुनील को उसने अपने आप दर्शन दे दिए। हाँ तो सुनील बेटे, अब कहो तुम्हारा क्या इरादा है? इरादा? मेरा इरादा? डॉक्टर सुनील, और चाहे जो इरादा कीजिए, लेकिन शादी का तो हरगिज न कीजिएगा। जी हाँ, दुनिया में अगर कोई महान काम करना हो तो ऐसे बंधनों से तो दूर ही रहना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप तो शादी कर ही डालिए। भाई वाह, इधर मैंने खीर का पहला चम्मच निकला, उधर तुम अपनी नसीहत निकल गई। क्या करूं, नो अल्टरनेटिव। जब भी मैं अपना डांस रिहर्सल शुरू करती हूं, दीदी के सर में दर्द शुरू हो जाता है। इनकी शादी आपसे हो जाए तो मुझे अपने घर में आजादी मिल जाए और फिर तुम रात दिन डांस रिहर्सल करती रहो, मतलब ही कहीं। आई आई। अच्छा भाई सुनील, अब बताओ तुमने क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ अंकल के माँ ने जो भरे हुए टमाटर बनाए थे उसमें से 2-4 और खा लिए होते तो कितना अच्छा होता। नॉटी बॉय। अरे भाई, मैं जिंदगी के उस टमाटर की बात कर रहा हूँ जिसे भरकर अभी तुम्हें स्वादी बनाना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ अंकल के अभी कुछ मसाला इकट्ठा कर लूँ, मेरा मतलब तजुर्बात से। अरे भाई, कल से ही मेरे नर्सिंग होम में काम शुरू कर दो। तुम और नीता दोनों मिलकर साथ काम करोगे तो किसी भी मरीज का मरना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ सुनी, प्राइवेट प्रैक्टिस में कितना फायदा है। अरे डॉक्टर साहबान, यहाँ तो मरीज को कोई मर्जी नहीं, सिर्फ ये कहने की भी फीस मिल जाती है। लेकिन पिताजी, डॉक्टर जब अपना फायदा सोचता है मरीज का नुकसान होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि अपने फायदे की बजाय किसी पब्लिक हॉस्पिटल में ऑनरेरी काम करूं। हाँ भाई, मेहरा साहब को क्या पड़ी है, बाप दादा काफी जायदाद छोड़ गए। फिर भी बेटे सुनील, जो कुछ तुमने सोचा है कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं। ना सही, लेकिन ये दिल की बात है, भावना की बात है। गुड इवनिंग नीता, कैसे हैं? 6 बजे तुम्हारी ड्यूटी खत्म होती है ना? और तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है। यस सर। हाँ ये जनाब। लेकिन मेरी कार का क्या होगा? ड्राइवर ले जाएगा? मेरे पास ड्राइवर नहीं है। और फिर मेरी कार है, कोई भैंस थोड़ी है जो अपने आप खूंटे पे पहुंच जाए। थोड़े दिन गांव में रहकर आए हो ना, उसी कार। नीता तुम अपनी कार में अच्छी लगती हो, मैं अपनी कार में। सुनील मैं तुम्हें लेने आई हूँ, घूमेंगे फिरेंगे। सॉरी नीता, मेरे पास वक्त नहीं है, एक दो मरीजों को देखने जाना, और फिर तुम्हारा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग।
बाय बाय नीता। बाय बाय। बैठो बापू, मैं अभी आई। ए बाबू, ये बाजे वाले डॉक्टर बाबू कहाँ हैं? बाजे वाले? कुछ नाम पता तो बताओ। ये रहा। ओ, डॉक्टर सुनील मेहरा, ऊपर जाओ। बाबू, तुम यहीं बैठे रहो, मैं डॉक्टर बाबू को लाई अभी। बर गई डॉक्टर बाबू, तुम यहाँ कब आए? कैसे हैं? गाँव में बहुत बीमारी फैली हुई है ना, मेरे बाबू बहुत बीमार हैं। कहाँ? नीचे मेरे साथ आए हैं। डॉक्टर बाबू, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपको वो खुशखबरी सुनाता हूँ जिसके सिलसिले में ये पार्टी दी गई है। मैंने जो अपना नया नर्सिंग होम बनवाया है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपनी बेटी नीता को सौंप रहा हूँ। उस नए नर्सिंग होम की नई डॉक्टर इंचार्ज को बधाई देता हूँ। मुबारक हो नीता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन मिस्टर। थैंक यू। इन्होंने क्या कहा डॉक्टर बाबा? एक नया दवाखाना खुलवाया है। एक और नया दवाखाना? जहाँ मैं रहा था वो भी तो एक बहुत बड़ा दवाखाना है, ढेर सारे डॉक्टर। हमारे गांव में एक भी नहीं। पास पड़ोस में तो कोई ना कोई जरूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इलाके में एक भी डॉक्टर नहीं। अगर होता तो मैं यहाँ क्यों चला आता? घोघर बाबा को तो आप जानते हैं, सारे गांव में बीमारी फैली हुई है और वो कहता है ये देवी का कोप है, मरना जरूरी है। वो तो अच्छा हुआ कि फुलवा मुझे यहां जबरदस्ती नहीं आई, वरना मैं भी बलिदान हो जाता। डॉक्टर बाबू, अगर हमारे गांव में आप जैसा एक भी डॉक्टर होता तो अनगिनत सुहागनों की चूड़ियां न टूटती, कितने बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन इसका क्या रोना, जो होता आया है होता ही रहेगा। डॉक्टर बाबू, अगर हमारे गांव में आप जैसा एक भी डॉक्टर होता तो अनगिनत सुहागनों की चूड़ियां न टूटती, कितने बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन इसका क्या रोना, ये होता आया है होता रहेगा। क्या सोच रहे हो डॉक्टर? आदिवासी इलाके में जाना चाहते हैं? घर का सुख चैन छोड़ के वीराने को अपनाना चाहते हैं? खामोश क्यों हो गए डॉक्टर? जवाब, मरीजों का इलाज डॉक्टर का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन जिनका इलाज तुम करना चाहते हो उनके पास पहुंचने के लिए तुम्हें उन राहों पर चलना होगा जहां कांटों के सिवा कुछ नहीं। सुनील, मेरे इन सख्त राहों पर चलने से सैकड़ों इंसानों की जिंदगी की राहें तो आसान हो जाएंगी, लेकिन इस बलिदान से तुम्हें क्या मिलेगा? वही जो अफ्रीका के जंगलों में आदिवासियों की सेवा करने में डॉक्टर एल्बर्ट स्वाइजर को मिला, वही जो पेनिसिलिन की शोध करके डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को
और रेडियम की शोध करके मैडम क्यूरी को मिला, वही जो दिन दुखियों की सेवा करने में स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी को मिला। नाम स्वामी सुनील आनंद रख लेना चाहिए। क्यों? तुम जो आदिवासी की बस्ती में जाने को कह रहे हो, ये कोई नॉर्मल आदमी की बातें हैं? तो तुम्हारा मतलब है मुझे पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है? आदर्शवाद और पागलपन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। ये आइडियल असूल फर्ज बहुत भारी लफ्ज है, इनके बोझ के नीचे दबकर जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है, बड़े बड़े बिजनेस चौपट हो जाते हैं। बिजनेस? तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे डॉक्टर भी कोई बिजनेस हो, जूतों की दुकान हो, लॉन्ड्री हो या कोई होटल। सुनील मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन ये सेवा वगैरह की जो बातें कर रहे हो उसके लिए और बहुत से डॉक्टर हैं, एक तुम्हें क्यों? अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो पहला कदम कौन उठाएगा? नीता, मैं तो ये सोचकर आया था कि तुम मेरा साथ देना पसंद करो, मेरे साथ चलो। मैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत दोनों मंजूर है। मंजूर है, लेकिन वहां नहीं यहाँ। और वो लोग हम जैसे डॉक्टरों के फीस पे क्या दे सकेंगे? शहर की बात तो तुम जानते हो, साल बदलने से पहले हम कार बदल दिया करेंगे। ठीक है, उसके लिए तुम और तुम जैसे बहुत से डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। रही मेरी बात, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ एक डॉक्टर की सही मानों में जरूरत है। तो फिर तुमने जाने का फैसला कर लिया? हाँ नीता। वापस कब आओगे? कौन जाने। मैं इंतजार करूंगी। बेस्ट ऑफ लक सुनील। थैंक यू। एक लंदन ब्रिटेन डॉक्टर वहां कितने दिन रह सकेगा? सुनील, मैं तुम्हारे असूल और आदर्श के दरमियान नहीं आना चाहता, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं जो सेवा तुम वहां जाकर करना चाहते वो इसी शहर में रहकर करो। पिताजी, पानी की जरूरत समंदर को नहीं रेगिस्तान को होती है। यहाँ एक सड़क पे 8 डॉक्टर हैं, वहां 8 गांव में एक भी नहीं। माँ, माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा अपना फर्ज पूरा करने जा रहा है। सुनील मेरे लाल, मुझे मत रोको माँ। कई बार तेरे अफसर पिता ने फर्ज की दुहाई देकर मुझे मजबूर किया, डॉक्टर बेटा कर रहा है, या मैं उन्हें रोक सकती तो तुझे क्या रोक पाऊंगी? बस मुझे तो यही चिंता है कि तू वहां कैसे रह सकेगा, तेरे खाने पीने रहने सहने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, जब तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे और किस चीज की जरूरत है। पिताजी। ओ बाबू, हम लोग तैयार हैं। चलो बेटी, अंदर जाके साहब और माँ जी को धन्यवाद दे। चलो। बेटी, मुझे तो कुछ आता वाता नहीं, क्या कहूँ। अच्छा एक बात कहती हूँ, माँ जी, माँ जी तुम बहुत अच्छी हो। ठीक कहा ना बापू? हाँ बेटी, ठीक कहा। सुनील, इस बात का खास ध्यान रखना कि उस गांव में किसी को यह पता ना लगने पाए कि तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आपका सर फखर से हमेशा ऊंचा रहे। ये तो ठीक है, लेकिन जहां तुम जा रहे हो वहां के डाकुओं को गिरफ्तार करने मैं कब से कोशिश कर रहा हूं। अगर उनके सरदार लाखन को यह पता लग गया कि तुम मेरे बेटे हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े। पिताजी। सुनिए, तब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, एक बार पहले भी तुम उनके हाथों पड़ चुके हो। मां, मां जी ठीक कहती हैं बाबू, भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, हमें अपने नसीब पे छोड़ दो बाबू। चल बेटी। ठहरिए चौधरी जी। पिताजी, दुनिया अभी तक वो बंदूक नहीं बना सकी जो सच्चाई का खून कर सके, नेकी को खत्म कर सके। इजाजत दीजिए। निकल जाओ बाहर, जाओ बाहर।
कान में कनकुपी लगा के यूं यूं किया जा रहा है, सुइयां कोची जा रही है। तुम्हारी तरह घास फूस खिला दे, डॉक्टर है दवा देते हैं। हाँ। अरे बाबा, पानी में मंत्र पढ़ने से तो दवाई बनती है, ये बता दे जूड़ी बुखार का मंत्र पढ़ के। बताता हूँ मंत्र, ये लोग ठग है। देवी जो माँ है कहीं किसी की जान लेती है, ये मंत्र मंत्र देवी का नहीं किसी राक्षस का। देवी को राक्षस लेता है? नहीं नहीं, देवी को नहीं, तुम्हारे इस ढोंगी बाबा को। अपमान, बाबा का अपमान? अरे बाबा के भगत होके क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? अरे बेटा, धिक्कार है ऐसी भक्ति पर जो इतना सुनकर हाथ में लाठी ना आ जाए। कैसे नहीं आ जाए, मारो, उठाओ लाठी, मारो, मारो, मारो। डॉक्टर बाबू ने हाथ उठाया, एक एक की खोपड़ी फोड़ के रख दूंगी। छोड़ो, भाग जाओ, भाग जाओ, छोड़ दो। डॉक्टर बाबू को मैं बुलाकर लाया हूँ, मेहमान पर किसी ने लाठी चलाई तो यहाँ धरती लाल कर दूंगा खून से। बड़े कोई माई का लाल हो तो आगे। अगर ये बात है तो फिर हो जाए बात ऐसे में। रामू, ये क्या हो रहा है? मेहमान पे हाथ उठाते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इसने भोगे बाबू का अपमान किया है। हरिया, ओ बेटा हरिया, माँ को होश आ गया। डॉक्टर बाबू चलिए। माँ, ये डॉक्टर बाबू ने अच्छा कर दिया। माँ आराम। देखा रामू, चार दिन से बेसुध थी बेचारी। आखिर डॉक्टर बाबू की दवा से ही होश आया ना। रामू, लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के, और द्वार पे आए हुए भगवान को तुम लौटा देना चाहते हो। क्षमा कीजिए डॉक्टर बाबू, गलती हो गई। नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को समझ जाऊंगा, आप लोग मुझे समझ जाएंगे। अच्छा, मैं शाम को फिर आऊंगा। भगवान आपका भला करे। चलो बापू। अरे बाका, जोर से सांस लो। क्या हो रहा है? साग बुदबुदी हो रही है। चुप करो, देखने दो। ए बुधुआ, क्या ही कर रहा है? ये डॉक्टर बाबू है, तेरी जोरू थोड़े ही है। तुम जा सकते हो। राम राम बाबूजी। राम राम। फुलवा, सबको दवा दे देना, याद है ना जैसे मैंने बताया था? हाँ डॉक्टर बाबू। नीला ढक्कन। सामू, सामू दे। सामू, ये तीन खुराक, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। जा। लाल ढक्कन। रामी, रामी आओ। देख रामी, दो खुराक, एक सुबह, एक दोपहर। जा। काला ढक्कन। डॉक्टर बाबू, ये काला ढक्कन किसका है? काला ढक्कन ये इसका। अरे बारी बारी आओ, बारी बारी आओ, जाओ पीछे जाओ। अच्छा डाल चाचा, मैं चला पतलीपुर वहाँ के मरीजों को देखना। ए बाबू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तू कहाँ चली पगली? अरे बाबू, डॉक्टर साहब को तो रास्ता भी नहीं मालूम, और फिर वहाँ भी झगड़ा वगड़ा हुआ, लाठी वाठी चली, और तुम मर मरा गए तो। अच्छा चलना चलना, पहले सबको दवा तो दे दो। क्या? दवाई दे दो सबको। अच्छा आ बाबू। यहाँ कहाँ ले आए फुलवा, यहाँ तो नदी है। पतलीपुर जाने का यही रास्ता है बाबू। क्या? पतलीपुर जाने का यही रास्ता है बाबू। ये पानी में से? पानी में से नहीं। फिर? पानी रेल से। पानी रेल? पानी में रेल चलती है? हाँ बाबू। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अरे ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? वो देखो, क्यों बाबू, हो सकता है या नहीं? ये अगर रेल है तो हो सकता है। तो फिर आओ। देखा बाबू,
कितना अच्छा रेल है। बहुत अच्छा, बैठ। पहले तुम। अरे बैठो ना बाबा। पहले तुम। पहले तुम, लेडीज फर्स्ट। क्या कहा? हमारे यहाँ रस्म है औरत पहले। बाबू, खूब रस्म है तुम्हारा। लड़ाई में भी तुम लोग औरतों को ही पहले भेज देते हो। अरे बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ तो औरतें सिर्फ घर में ही लड़ाई करती हैं। अच्छा बैठो, देर हो रही है। मैंने कहा बैठो, देर हो रही है, पतलीपुर जाना है। अच्छा बैठ। देखा बाबू, यह हाथ तुम्हारे बागडोर मेरे हाथ में है। ज्यादा अटपट करोगे तो इसी तरह लटका दूंगी। बस बस, बहुत हो चुका मजाक, अब चलो। ला चलो। राम राम डॉक्टर बाबू। राम राम। वाह, आज तो आप बिल्कुल हमारे अपने बन गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए बाबू, चलिए आइए। अरे राम राम, आ राम राम डॉक्टर बाबू। राम राम। बीमारी का फंदा आपने हमारे गले से उतारा बाबूजी। हमारा काम तो रस्सी बटना है, रस्सी लाया हूँ। दो हाथी बांधोगे तो भी ना टूटेगी। अच्छा अच्छा, रख दे वहाँ। राम राम सरकार। राम राम। पूरे चार दिन तक कारगर आपके लिए तैयार किया है। ले जा ले जा ले जा, तू भी जा। राम राम बाबूजी। राम राम। छह कम बारह मुर्गे हैं। मुर्गी एक भी नहीं, सब मिले जुले। अच्छा ले जा ले जा। राम राम बाबू। राम। हमारे यहाँ चूड़ियों का धंधा है, हमारी तरफ से ये लो डॉक्टर बाबू, चूड़ियाँ लो। रख लीजिए। राम राम। बाबू तुमने मेरे बापू को अच्छा किया था ना, मेरी तरफ से ये लो मन। फुलवा, आज तो बड़ी सजधज के आई हो। आज बैसाखी का त्योहार है ना डॉक्टर बाबू। तुम भी तो बाबू। आज बैसाखी का त्योहार जो है। राम राम डॉक्टर बाबू। राम राम। आपने मेरी छोटी बिटिया को अच्छा कर दिया था ना, इसलिए मैं छोटा सा ढोल लाया। वाह, ये भी अच्छी रही। त्योहार का दिन है, लोग गाएंगे नाचेंगे। डॉक्टर बाबू आप भी जरा कुछ। ये शहरी लोग हमारे साथ क्या गाएंगे और क्या नाचेंगे बापू। अच्छा हाँ। तो फिर हो जाए मुकाबला। तो फिर आओ मैदान में। हाँ।
खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला हो तेरा तुझे देख के कोठे से मेरा पैर फिसला पूरा हो तेरा तुझे देख के कोठे से मेरा पैर फिसला होए 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 कट जाए ना मेरी जिंदगी कट जाए ना मेरी जिंदगी तेरी कल परसों में जाए ना मेरी जिंदगी ओए तेरी कल परसों में बात नहीं बनती कल परसों में बात नहीं बिखरी तो तेरी जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए शुरू किया था अब सवेरा होने वाला है अब तो चुप हो जा बेटा चुप हो जा बाबा लक्ष्मी चौराहे से मुड़ गई जो कुछ मार इधर आने वाला था वो सब डॉक्टर के घर चला गया घबरा नहीं बच्चा घबरा नहीं अरे पाप की कमाई उसे पछेगी कहाँ ऐसा उपाय करूंगा कि सब वापस आ जाएगा नहीं तो क्या झूठ
बाबा का वचन है, अब रोना नहीं। है? कौन हो तुम लोग, रास्ता क्यों रोक रखा है? तुम लाखन सिंह को नहीं जानते? जानने की जरूरत ही क्या है। हाँ सुना है कि इस नाम का एक डाकू है, अगर वो तुम हो तो मुझे अफसोस है मेरे पास इन दवाओं के सिवा कुछ नहीं। मैं जानता हूँ तुम कौन सी दवा लेकर आए हो। पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम जो मेरे सर पर रखा, तुम उसे हासिल करना चाहते हो। लेकिन याद रखो डॉक्टर, 20,000 रुपए के लिए तुम्हें 20 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर तुमने लाखन के बारे में कुछ भी सोचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम। लाखन सिंह, कानून और डॉक्टर का फर्ज अलग अलग होता है, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं। वैसे जहां तक 20,000 रुपए का सवाल है, उसे जरूर हासिल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो हॉस्पिटल यहां खोलना चाहता हूं उसके लिए मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। लाखन, एक सलाह दूं, जिंदगी में तुम भी एक नेक काम कर ही डालो, अपने आप को किसी ऐसे आदमी के हवाले कर दो जो तुम्हें गिरफ्तार करा के 20,000 रुपए की रकम तुम्हारे नाम से हॉस्पिटल को दान दे दे। डॉक्टर लाखन, दिल दाहिनी तरफ नहीं बाईं तरफ होता है। दिल की बातों में लाकर न जाने तुमने किस किस को भुलावा दिया है, लेकिन मुझे न दे सको। ठीक कहते हो, जब तुम्हारे पास दिल ही नहीं तो मेरी बातों का तुम पर क्या असर हो सकता है। डॉक्टर आज और इसी वक्त ये बस्ती छोड़कर चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं। तुम कहते हो, सूरज तुम्हारे कहने से निकलता है, दिन और रात तुम्हारे कहने से होते, जिंदगी और मौत तुम्हारी मर्जी से होती। जिंदगी तो नहीं मालूम, लेकिन मौत मेरी मर्जी से जरूर हो सकती है। तुम्हें यकीन नहीं आता? रघु, देखा, मौत भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकती। अब अगर तुम इसे अपनी बंदूक से जिंदगी दे सकते हो तो दे के देखो, नहीं तो मुझे अपना काम करना है। देखा, मेरे इंजेक्शन की एक सुई तुम्हारी बंदूक की हजारों लाखों गोलियों से ज्यादा ताकतवर है। किसका खत है? सुनील का? हाँ। क्या लिखा है? कैसे है मेरा बेटा? कब आ रहा है? क्या हुआ? अब वो नहीं आएगा, मुझे जाके कुछ करना होगा। मैं यहां कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन यहां एक डॉक्टर की कितनी जरूरत है ये समझते हुए मैंने तय किया है कि उन कुछ दिनों को पूरी जिंदगी में बदल दूं। जो हॉस्पिटल मैंने यहां बनाया है उसे कोई देखेगा तो चिड़ियाघर या कोई अजायब खाना समझेगा। पिताजी ये है बड़े काम का, मेरा ख्याल है एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए सिर्फ पक्की इमारत और चमकते हुए फर्नीचर की जरूरत है। जरूरत है तो काम करने वाले हाथों और महसूस करने वाले दिल की। वाह, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो गए। आज आखिरी सुई और दे देता हूँ, के बाद खाओ पियो मौज करो। खुलो जरा बैग तो लाना। ये लो डॉक्टर बाबू। खुलो जरा पानी ले। लो बाबू।
ए बाबू, तुम तो बिल्कुल फुलझड़ी हो रहे हो, क्या मिल गया? मिल गया नहीं, मिल गई कहो फुलवा, मिल गई। मिल गई? मिल गई, मेरे सपने की पहली झलक। हाँ तो, सपने भी कभी सच्चे होते हैं? होते हैं, रात में सोते हुए जो सपने आते हैं, वो सच्चे नहीं होते, लेकिन दिन में जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं, वो हमेशा सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका दूसरा नाम है इरादा। देखो ना, कितना अच्छा हॉस्पिटल बना है, रस्सी का ये मचान, हॉस्पिटल खुलने और बंद होने के ऐलान के लिए ये ढोल, अपने हाथों की बनाई हुई ये कुर्सी, अलमारी, मेज, मरीजों को सुबह जगाने के लिए मुर्गा यानी मुर्गा घड़ी, क्या इस्तेमाल हुआ सब चीजों का। ए बाबू, एक चीज तो बाकी रह गई। वो क्या? चूड़ियां। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, इनके लिए भी सोचना पड़ेगा। मरीज तो चूड़ियां पहनने से रहे, और अगर डॉक्टर चूड़ियां पहन के बैठ गया तो क्या किया है? सोच लिया। क्या सोच लिया बाबू? इधर ला। ये क्या कर रहे हो बाबू? चूड़ियों का इस्तेमाल, कंपाउंडर का इनाम। अरे फुलवा, अरे ये रह गई। दिल सारे बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल।
बेटा मिल गया जो इतनी खुश हो रही है? वही जिसके साथ मेरा ब्याह हुआ था। ब्याह? तेरा ब्याह हो चुका है? कब? किसके साथ? इसके साथ? नहीं, इसके साथ नहीं। तो फिर किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ पिछले जन्म में हुआ था। पिछले जन्म में किसके साथ हुआ? जिसके साथ पिछले से पिछले जन्म में हुआ था। बड़ा लंबा सिलसिला लगता है। हाँ, 60 जन्म का साथ है बाबू। और अगर ये तेरा 8वां जन्म हो तो? 7 से आगे तो मुझे गिनती ही नहीं आती। खुलवा। तुम्हें अब मेरे साथ वापस चलना होगा। पिताजी, मैं अपना फर्ज अधूरा छोड़कर कैसे जा सकता? फर्ज का वास्ता देकर तुम यहां आए। अब फर्ज की आड़ लेकर वापस नहीं चलना चाहते। जो कुछ मैं देख रहा हूं, अगर यही तुम्हारा फर्ज है तो सुनील, मुझे डर है कि किसी दिन तुम्हारा रास्ता मेरे रास्ते से टकरा न जाए। अगर ऐसा वक्त आया पिताजी, तो आप मुझे वहीं खड़ा पाएंगे जहां आपके पांव। ठीक है पिताजी, आप यहां हैं तो कम से कम मेरे हॉस्पिटल को तो देखते रहिए। हॉस्पिटल? डॉक्टर को देखकर हॉस्पिटल का अंदाजा लग चुका है। फिर भी पिताजी, मैं पुलिस फोर्स के साथ डाकुओं के सिलसिले में इस इलाके का मुआयना करने आया हूं। ड्राइवर। डॉक्टर बाबू हालत बहुत खराब है डॉक्टर बाबू। ये क्या हुआ डॉक्टर बाबू? मालूम होता है ये लखन ने ही गोली चलाई है। कैसे कोई और भी हो सकता। अब क्या होगा डॉक्टर बाबू? अरे जल्दी से फुलवा को बुला रहा। जी, अब क्या करूं बाबू? अब बाजू में से गोली निकालो। मैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैं बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे। यही है ना बाबू? हाँ, अब यहाँ काटो। काटो ना फुलवा। अब निकाल लो गोली। शाबाश कंपाउंडर। नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दो चार बार तो क्या, 100 बार भी नहीं कहने पर सच को नहीं झुठलाया जा सकता। डॉक्टर साहब जो खुद को रोग लगा बैठे, उसका कोई इलाज नहीं। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। नीता को छोड़कर वो क्या बात है मम्मी, सुनील आ गया ना? नहीं बेटी, तुम्हारे अंकल अकेले ही लौटा। वो क्यों नहीं है? गांव वालों के प्यार के सामने हम सबका प्यार फीका पड़ गया। वो वही रहकर डॉक्टरी करना चाहता है, सारा जीवन वही बिताएगा। ओह, व्हाट अ पिटी, इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी नासमझे की बात। मम्मी, जरूर उसे गुमराह करने में किसी का हाथ है। हाँ बेटी, जरूर उसे किसी ने बहकाया है। तुम तो जानती हो कितना नादान है मेरा बेटा। अब तुम ही उसे जाकर वापस ला सकती हो, तुम्हारा तो उस पर अधिकार है ना। बना डाला बुद्धिमान जी। बना,
जीवन। आई है बिल्लिया, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। तो मेरे साथ गधे पर बैठ जाओ। अरे दो आदमी का बोझ कैसे उठाएगा? अरे डरने की कोई बात नहीं, मेरा गधा बहुत मजबूत है, काफी जड़ी बूटियाँ खा चुका है। ना ना, मैं नहीं बैठती, मेरे बैठने के साथ गधा भी बैठ जाएगा। अच्छा तो एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम्हारा बोझ मुझ पर रहेगा, गधे पर नहीं। ओए होए, एक गधे पे दूसरा गधा बिठाए और उसके पर मैं बैठूं? एक गधे पर दूसरा गधा, क्या कहा? मैं गधा? और नहीं तो क्या, नाम तो है बुद्धिमान मगर हो एकदम बुद्धू। अरे मेरे बैठने से भी बोझ तो गधे पर ही रहेगा। ठीक कहती हो बिंदिया, ठीक कहती हो। तुम ऐसा करो, तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं उतरता हूँ। ये कुछ अकल की बात कही? अकल की नहीं, प्यार की बात तो हो, प्यार की, वरना तुम्हारे नसीब में गधा कहाँ। हटो, अब उतरो ना। अच्छा अच्छा, दुनिया में सब जोड़े जोड़े हमी फिरे निगोरे निगोले जाये तो। What a chivalrous man, ठहरो ठहरो ठहरो। क्या कहा बाबू? बाबू? हम बाबू नहीं। ओ, समझ गया कि तुम मामू नहीं, तुम्हारी आवाज से मैं समझ गया कि तुम मेम साहब हो। सलाम मेम साहब। सलाम सलाम। अच्छा सुनो, डॉक्टर सुनील कहाँ रहते हैं? देखो तुम बीमार रहती हो ना, मैं तुमको घूगर बाबा के पास ले चलता हूँ, उनकी एक बूटी अंदर और दम बाहर। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी एक बूटी से तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। क्या सुनील ने अपना नाम घूगर बाबा रख लिया है? अजी नाम से क्या काम, जब दवा के देने हैं दाम। ए भैया, ए भैया तू घर जा, मेरा घोड़ा तेरे को घर पहुँचा देगा। नहीं। अरे समझती क्यों नहीं, यहाँ रोटी पानी का सवाल है। जा 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 जा। मेरा हॉस्पिटल नजदीक है, चले जाएंगे, तुम लोग सामान लेकर आओ। और नीता, घर में सब कैसे? बहुत मजे। सफर कैसा रहा? ओह फुल ऑफ सफरिंग। मुझे सर्दी हुई है। ये ले दवा। हाँ भाई, डॉक्टर बाबू तो दवा देने से पहले छाती देखते हैं, मुंह देखते हैं, तू ऐसी दवा देने लगे? छाती देखने वाला सख्त कुक तो डॉक्टर बाबू के पास है। मुंह खोल, मुंह से ही अंदर तेरी छाती भी देख लेंगे। खोल खोल। अरे रे 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 रे, अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है। ये है मेरा हॉस्पिटल। ये चिड़िया घर अच्छा है। अपने अपने समझ नहीं था। आओ अंदर। आए बत्ती से देख। सोल सोल। अरे मसाला तो खत्म हो गया। खुलवा। आई वो बंद कर। डॉक्टर बाबू, इसका मसाला खत्म हो गया। हाँ वो शंभू शहर गया, उसको बोला ले आएगा। ये बाबू मैंने कहीं देखा है। पहचाना नहीं? ये नीता है, नीता यार नहीं शहर में। अरे हाँ पहचाना पहचाना, राम राम मैम साहब। सुनी ये तुम्हारी नीता? ये मेरी असिस्टेंट कंपाउंडर, हॉस्पिटल इंचार्ज, सब कुछ। मुझे पूरी उम्मीद है तुम
तुम्हारी ये सब कुछ एक दिन तुम्हें जेल भिजवा दे। कैसे? किसी मरीज को दवा के बदले जहर दे। जहर क्यों दूंगी? डॉक्टर बाबू ने मुझे पूरी डॉक्टरी सिखा दी है। शॉप और शेप थर्मोटर ताकत को और मैं आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन जानना नहीं चाहती। सुनिए, चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ए मेमशा, आई हो तो खाओ पियो आराम से रहो, लेकिन डॉक्टर बाबू को ले जाने के बाद मत करो। तो तुम यहाँ इसलिए आई हो नीता? हाँ सुनी, अब मैं तुम्हें यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। एक बार मना क्या, फिर वही बात। ए मेमशा, डॉक्टर बाबू ऐसा क्या लगता है तुम्हारा जो ले जाओगी? ओ शट अप, क्या अंग्रेजी में गाली देती है? सारा भी बताती है। बोलवा कैसे बताओ करती? ये जो मुझे अंग्रेजी में गाली देती है। और जैसे तू बहुत अंग्रेजी समझती है, गंवार कहीं। क्या गंवार? मैं गंवार हूँ? चलो मैं चली, चला लो अपना अस्पताल इस पड़ी लड़की से। नादान, इसकी बातों को बुरा मत मान। अब तुम ऐसे गंवार लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आखिर क्यों? इसलिए ये लोग जो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं दूर? जो हम ख्याल ना हो वो हम कदम कैसे हो सकता है? फिर तो मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। मैं ऐसे गलत रास्ते पर तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। आज ही मैं वापस जाऊंगी। नीता, अरे आप कब आई मैम साहब? सुनील, मेरे जाने का इंतजाम कर दो। आज ही आई और आज ही चली जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेवा सम्मान किए बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। और फिर आए तुम्हारा जाना मुमकिन भी नहीं, बस तब तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हॉरिबल। आप नहा धो ले, तब तक मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बाबू, अच्छा बता, नहाने के लिए बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? बाथरूम यहाँ कहाँ? पड़ोस में ठंडी ठंडी नदी बहती है, जाके नहा लो, सारा गुस्सा उतर जाएगा। राम राम चौधरी जी। राम राम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहाड़गंज से आया हूँ, क्या काम है? वहाँ बहुत बड़ा फसाद हो गया है, सात गांव के चौधरी आए हैं निपटाने के लिए। आपके लिए भी बुलावा लाया हूँ, चलिए। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, मैं घर होके आता। नीता, तुम नहा के खाना वाना खा लेना। और तुम? मैं पास वाले गांव में मरीजों को देखने जा रहा हूँ, हो सकता है आने में रात भी हो जाए। ओके बाय। बाय। क्या है बाबू? मैं पहाड़गंज जा रहा हूँ, रात देर से आऊंगा। और सुन, आज जो बाबूजी की मेहमान आई है ना, उनका भी खाना भेजना होगा, समझी? खाना? ये भेजूंगी खाना? बड़ी आई मेम साहब, जैसे मैं किसी की नौकर।
राम राम मैम श्याम। नमस्ते। ए बरकु, अरे ओ नंकु, अरे ओ भोलू। देख तो कैसी लगती हूँ। अरे वाह, एकदम पटाखा। शट अप। ए नंकु, उस मेमसाहब से मैं कुछ कम लग रही हूँ। अरे तुम कहाँ वो कहाँ। चोर कहीं की कपड़े चुराती है। चोर, चोरी कैसे हुई? ये तो अदला बदली हुई, मैं जो अपना छोड़ आई थी। पूछो पूछो, ये लोग कहते हैं इन कपड़ों में मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती हूँ। मुझे मारती है। देखकर बहुत खुशी। खोल दो पट्टी और तुम लोग भी जाओ। लाखन, मेरी आंखों की पट्टी तो तुमने खुलवा दी, लेकिन तुम्हारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो कब हटेगा? दयाल भैया, जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बुलवाया है? फैसला करने। जानता, लेकिन इतने बड़े चौधरी के सामने मैं भला क्या फैसला कर सकता हूं? फैसला तुम ही को करना होगा। ये लो बंदूक, डॉक्टर की जान ले लो। डॉक्टर बाबू की जान ले लो, भगवान को गोली मार दो, ये कह रहे हो तुम? भगवान नहीं, वो साधु के भेष में रामन, उसका हाथ फुलवा के आंचल की ओर बढ़ रहा। चुप रहो, मैं डॉक्टर बाबू के लिए ऐसा कभी नहीं सुन सकता। तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा। तुम्हारी इन आंखों का क्या विश्वास? काले काम करते करते तुम्हें हर बात में कालापन दिखाई देने लगा। तुम्हें क्या सुझाई देगा वो उजियार, जो डॉक्टर बाबू के आने से सारे गांव में फैल गया है? तो क्या उसे छूट दे दी जाए जो हमारी बेटी की इज्जत खेले? इज्जत? एक डाकू क्या जाने इज्जत का मतलब। लाखन, डॉक्टर बाबू देवता है, हम लोग उनके चरण छूने के भी लायक नहीं। वो फुलवा से हंस बोल लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि सबरी बड़ी थी, बल्कि राम बड़े थे जिन्होंने उसके जूठे बेर खाए। तुम जानते हो तुम्हारा देवता किसका बेटा है? मेरे सबसे बड़े दुश्मन पुलिस अफसर का, जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ। 20,000 रुपए का इनाम रखा उसने मेरे सर पर। यह दुश्मनी तो तुमने अपने आप मोल ली है, इसमें डॉक्टर बाबू का क्या कसूर? उस दिन अगर तुम मंदिर में होते तो अपनी आंखों से देखते कि उसने मेरी भोली भाली बेटी को किस तरह अपने जाल में फंसा रखा है। तो जाके डॉक्टर से कह दो, अगर उसने नजर उठाकर मेरी बच्ची की तरफ देखा तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। देवी कसम, उसकी लाश की बेदी बनाकर फुलवा का प्यार रचाऊंगा। इसलिए कहता हूं भैया कि जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढकर फुलवा की शादी करता हूं। उसकी चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। जब तक फुलवा का ब्याह नहीं हो जाता, हमारा तुम्हारा भाई का संबंध बना रहता। उसके बाद फिर वही कहोगे जो कई बार कह चुके हो, लेकिन बेबस
मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। नहीं, इसलिए कि तुम फुलवा के बाप हो, डाकू हो। अगर दुनिया को यह मालूम हो जाए तो मेरी फुलवा का हाथ कौन थामे? एक बार यह जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना मेरा पहला फर्ज होगा। इसलिए कहता हूं चौधरी जी कि शादी करके अपना फर्ज पूरा कर लीजिए। चढ़ावे के लिए मैं तुम्हें सोना भी दे आया। वो सोना नहीं, बाप की चिंगारी छोड़ आए। तुम उसे वापस नहीं ले गए तो मैं उसे फेंक दूंगा। फुलवा का ब्याह उसके बिना भी हो जाए। भैया इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ खा पी कर जा। भाई के घर का तो खा भी लेता, लेकिन एक डाकू के बस यही संबंध रखना चाहते हो? ठीक, बांध दो पट्टी। मैं बांध लूंगा, ले जाओ। ये ले, मार ढेला। किसको? फुलवा की खोपड़ी पर या डॉक्टर की खोपड़ी पर? अरे बुद्धू, ढेला मारने से कहीं आदमी मरता है? लालटेन फोड़ा, लालटेन। हाँ, क्यों? अंधेरे में डॉक्टर का छुरा कहीं और घुस जाएगा। उधर बीमार मरा, इधर डॉक्टर। नहीं, नहीं, बीमार मरा नहीं बाबा। तो जाता है कि नहीं? नहीं, नहीं बाबा, ये काम मेरे से नहीं होगा। नहीं बाबा, खराब। ऑपरेशन कामयाब हो गया फुलवा। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जब जब इंसान के हाथ नेक काम करते हैं, उन्हें चलना पड़ता है, छाले पड़ते हैं, फिर ऐसे ही हाथों पर प्यार का मरहम लगता है। महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोने ना सीधे सादे हैं, दोने ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप जा रही हैं मैम साहब? हाँ मैं जा रही, लेकिन जाने से पहले ये कह देना चाहती हूँ कि जिसे तुम्हारी बेटी पाकर इतनी खुश है वो चांद नहीं उसकी परछाई है। आसमान बहुत ऊंचा है दया, वहां तक तुम्हारे हाथ नहीं पहुँच। क्या हुआ मैम साहब? मुझसे पूछते हो? बेटी के जाल में जिसे तुमने फंसाया जानते हो वो कौन है? मेरा मंगेतर है, और जो कुछ मेरा है उसे हासिल करना मुझे अच्छी तरह आता है। चलो घोड़े वाली। उस दिन अगर तुम मंदिर में होते तो अपनी आंखों से देखते कि उसने मेरी भोली भाली बेटी को किस तरह अपने जाल में फंसाया है। बेटी के जाल में जिसे तुमने फंसाया है जानते हो वो कौन है? मेरा मंगेतर है। राम राम जानता। बापू बापू कब आए बापू? जानते हो बापू कल रात क्या हुआ? सारा हाथ जल गया, देखो देखो। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुझे तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। क्या बापू? ये आप क्या कह रहे हैं जानता? ठीक कह रहा। फुलवा घर चल, खबरदार घर से बाहर पांव निकाला था। यार दादा आपको क्या हो गया, आप क्या कह रहे हैं? नीता ने तो कुछ नहीं कह दिया। मैं अभी उससे पूछता हूँ। वो चली गई डॉक्टर बाबू। फुलवा डॉक्टर बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, इनका हमारा क्या मेल? बापू चल घर चल। चल 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 बापू चल।
जा रही? डॉक्टर बाबू को खाना देने। मुझे दे, मैं दे आता हूँ। दे। फुलवा जरा मेरा बैग तो देना। फुलवा नहीं है बाबू जी। पानी देना। नीता, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो नेकलेस तुम्हारा ही है? हाँ अंकल, मैं अपने नेकलेस को अच्छी तरह पहचानती हूँ। गवां लड़की के जाल में फंसा रखा है, वो जरूर उनकी तरफदारी करेगा। Then may God help। लेकिन मेरे बेटे पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना? जो इस किस्म के लोगों की लड़की से मोहब्बत करेगा, उसे हथकड़ी और जेल के सिवा और क्या मिलेगा? क्या सोच रहे हो बाबूजी? कुछ नहीं गंगू, तार आया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तब तो आपको फौरन जाना चाहिए। मैं चला गया तो मरीजों का क्या होगा? मगर माँ जी भी तो बीमार है, मरीजों की चिंता मत कीजिए, आप कुछ दिनों की दवा बना दीजिए। हाँ ये ठीक है, मैं सुबह चला जाता हूँ। जरूर जाइए, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर बाबू गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव छोड़कर जा रहे हैं? हाँ हाँ। क्यों? मुझे क्या मालूम, जाते हुए देखा तो तुम्हें पता नहीं चली आई। नहीं नहीं बुलवा, वो बुलवा। सारी बगिया खिले भी तो क्या है,
अफसोस की बात है, बेटे को देखने के लिए माँ को झूठ का सहारा लेना पड़ा। माँ, तो क्या तुमने झूठी खबर भेजी थी? क्या करती सुनील, तुझे देखने को बहुत जी चाह रहा था। ना तो वो गांव वाले बीमार होना बंद करेंगे और ना तुझे फुर्सत मिलेगी। बीमारों से तो फुर्सत मिल भी जाए, मगर इसको मोहब्बत से कहां मिलेगी। पिताजी, पिताजी, मुझे एक साथी की जरूरत थी जो जिंदगी की मुश्किल राहों पर मेरे साथ चले, और वो साथी मुझे मिल गया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो शायद तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कोई करता है? बच्चा है, समझेगा। तो तुम ही समझा लो अपने लाडले बच्चे को, मैं हार गया। सुने, ये तू क्या कर रहा है? मैं डॉक्टर वर्मा को क्या जवाब दूंगी, नीता को क्या मुंह दिखाऊंगी? रिश्ते की बात जो हो चुकी है। मगर रिश्ता हुआ तो नहीं ना। आखिर माँ, नीता का और मेरा कोई मेल नहीं, जो हम कदम नहीं वो हमदम कैसे बन सकता है? रही नीता को मुंह दिखाने की बात, तो माँ उसे शीशा दिखा देना। ये क्या, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। प्यार? खैर छोड़ो इन बातों को माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता करा दो, बाहर जाना है। अभी तो तू आया है। मैंने जो हॉस्पिटल खोला है ना, उसकी मदद के लिए मुझे ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में जाना है। I mean, Dr. Sunil, आइए आइए। नीता, तुम यहाँ? बहुत ताजुब हो रहा है तुम्हें? ताजुब तुम्हारे चेयरमैन बनने का नहीं, बल्कि इस बात का, ये कुर्सी तुम्हारा बोझ किस तरह बर्दाश्त कर रही हो। क्या मैं इसके लिए भारी हूँ? भारी? बिल्कुल हल्की। मेरा मतलब है कभी कभी हल्कापन भी तो बोझ होता है। हार छोड़ो, एक बात बताओ, मुझे बुलवाने के लिए माँ से मिलके तुमने तो साजिश नहीं की? साजिश? साजिश मेरी नहीं, उन कच्चे धागों की है जिनमें चले आए हैं सरकार। कच्चे धागे वागे छोड़ो नीता, कुछ रस्सी वस्सी का इंतजाम करो। मोहब्बत का ये हिंदुस्तानी तरीका बहुत पुराना हो चुका है। ओह, तो इसीलिए अब तुम फ्रेंच तरीका अपना रहे हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है, फ्रांस में प्रेमी अपनी प्रेमिका का हाथ चूमकर प्यार जताता है, शायद तुम भी उसी ढंग में यकीन करने लगे। आई डोंट माइंड दैट इवन। शायद मैं भी माइंड ना करता अगर तुम्हारे हाथ में चमकती हुई अंगूठी की जगह दहकते हुए छाले होते, लेकिन तुम तो यह भी भूल जाती हो कि यह तुम्हारा ऑफिस है, घर का ड्राइंग रूम नहीं। सिर्फ काम की बातें की जाती है। राइट देन, हम भी उसी तरीके से बात करेंगे। यस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? चेयरमैन साहबा, मुझे डॉक्टर सुनील कहते हैं। मैंने आदिवासी एरिया में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला है, मुझे मदद चाहिए। मदद? दूसरों के खर्च पर रोमांस करना चाहते हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? गांव में जाकर मैंने अपनी आंखों से देखा। नीता, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर तंग दिल हो सकती हो, अपनी रंजिश की वजह से सौंपी गई जिम्मेदारी से मुंह भी मोड़ सकती हो। इसलिए मैंने कहा था कि ये कुर्सी तुम्हारे हल्केपन का बोझ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। सुनील, गुड बाय चेयरमैन।
बोलो ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? बोलो, बताओ। मैं बताती हूँ। पहले वचन दो, मेरे बापू को छोड़ दोगे? क्या बकबक करती है, बताती क्यों नहीं? बताती हूँ, लेकिन मेरे बापू को छोड़ देना। जब मैं रात को सोई हुई थी तो आधी रात को यह हार अपने आप मेरे गले में आ गया। अपने आप? क्या आसमान से आ गया? आसमान से नहीं, खिड़की से, खुली जो थी। जो लड़कियां खिड़की खुली छोड़कर सोती हैं, उनके गले में क्या हार आ जाता है? हवालदार, ले जाओ इसे, बंद कर दो। नहीं, मेरे बापू नहीं जाएंगे, छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, जाने दे, नहीं जाने। नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी। ठहरो। बापू, बापू देखो ना क्या हो गया, मेरे बापू को जबरदस्ती बंद कर दिया। ये कहते हैं कि ये हार हमने चुराया है, भगवान शपथ बाबू, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग चोर नहीं है। मेरे बापू को चुरा लो बाबू। घबरा मत, मैं इसीलिए आया हूँ। बापू को चुरा लो। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, आप यहाँ? मैं दयाल चौधरी की जमानत देने आया। अच्छी, आप क्यों इस चक्कर में पड़ते? ताकि ये इस चक्कर से छूट सके। डॉक्टर साहब, आपकी जमानत पर दयाल सिंह यहाँ से तो छूट जाएगा, लेकिन अदालत में उसे कौन छुड़वाएगा? इनकी बेगुनाही, ये निर्दोष है। बाबू, डॉक्टर बाबू आ गए हैं, वो जरूर छुड़ा लेंगे, जरूर। हवालदार, दयाल सिंह को ले आओ। देखा बापू, देखा? चलिए दयाल चाचा। डॉक्टर बाबू, हम लोग चोर डाकू नहीं, विश्वास कीजिए। ये हार तो कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, सब नीता का किया हुआ है। आइए चलो। चलो दयाल जी, वैसे तो मेरे सपूत का दाम 300 रुपए है, मगर तुम कोतवाली हो आए हो, इसलिए 350, और वो भी सब चांदी के। नगद नोट एक भी नहीं। ससुरा गल जाता है जमीन में गाड़ने से। बराबर है। धर्म सिंह जी, ये तो बहुत ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से मैंने 300 रुपये जमा किए, और फिर देवी की मानता भी तो देनी है। एक पैसा कम नहीं होगा, ऐसा खानदान कहाँ मिलेगा? सपूतों का बाजार बहुत चढ़ा हुआ है। बापू, 50 रुपए के लिए क्या मुझे 50 बरस भुट्टा के रखोगे? नहीं बेटे, नहीं सकते। फिर मान जाओ ना। अच्छा बेटे, अच्छा दयाल जी, चलो 300 रुपए बुलाओ लड़की। फुलवा, अरे ओ फुलवा, यह है मेरी फुलवा। अच्छा, ले बेटे, पहना दे चूड़ियां, पहना ले। फुलवा। बापू। अरे इसीलिए बुलाया था बापू। चल बापू का बच्चा, चल। धर्म सिंह जी, डॉक्टर बाबू इधर आओ। अरे मैं जरा काम कर रहा हूँ। आओ ना। क्या? बस इतना बता दो, तुम मुझसे ब्याह करोगे या नहीं? ब्याह? ये अचानक ब्याह की बात क्या ले आई? फुलवा भी मेरा सारा काम अधूरा है, ब्याह की मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर ये कहो ना कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक खेला है, मुझे डरा दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात तो समझो पूरी। मैं समझ गई, हाँ समझ गई। तुम डॉक्टर हो ना, मुझे कोई अच्छा सा चेहर दे दो, फिर जन्म भर अपना काम करते रहो। जिंदगी देना जिसका धर्म है, उसे मौत मांग देनी। तो फिर मैं क्या करूं? बापू मेरा ब्याह दूसरे के साथ कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ। तुम्ही तो मेरे साथ जन्म वाले हो। देखो, मैंने मैंने कुछ
जमा किया है वो सब तुम्हें दे दूंगी। हमारे यहाँ दूल्हा खरीदने की कसम है ना। कैसी बातें कर रही हो? मैं ब्याह से थोड़े इनकार कर रहा हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, बापू से कहो कि तुम मुझसे ब्याह करोगे। लेकिन भुलवा। लेकिन मैं कुछ नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो नदी में इतना पानी है, इतने मुंह छिपाकर मैं अपना सारा दूध डुबा दूंगी। चलो मैं दयाल चाचा से बात। दयाल चाचा, दयाल चाचा, डॉक्टर बाबू आप, मैं आपसे फुलवा का हाथ मांगने आया हूँ। आपने जवाब नहीं दिया, मैं फुलवा का हाथ मांगने आया हूँ। फुलवा का हाथ? ये नहीं हो सकता बाबू, कभी नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? आप तो जानते हैं ना, मैं भेदभाव में विश्वास करता हूँ ना ऊंच नीच मानता, फिर ये इनकार क्यों? बाबू जी, जो बात मेरे बस में नहीं उसके लिए मैं कैसे हाँ करूं? आपके बस में नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी, बस यही समझ लीजिए कि हम वो फूल नहीं जो देवता के चरणों पर चढ़ सके। मैं देवता नहीं, एक इंसान हूं और इंसान ही बना रहना चाहता हूं। मुझे चरणों की भेंट नहीं, फुलवा का हाथ चाहिए। बाबूजी, आपने मुझे नया जीवन दिया। आप चाहे तो उसकी एक एक सांस वापस लीजिए, लेकिन मुझे मजबूर न कीजिए बाबूजी, मजबूर न कीजिए। ठीक है, मेरा फर्ज सिर्फ देना है, मांगने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये धड़कते शोले
रुसवा सरे बाजार न कर, इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं, भूल जा जान दे तकदीर से तकरार न कर, भूल जा जान दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। कहाँ गए? बस इतना बता दो, डॉक्टर बाबू मैं तुमने कौन कौन देखी है? बेटी, डॉक्टर बाबू में कोई खोट नहीं, खोट हमारे भाग में। डॉक्टर बाबू से तेरा ब्याह हो जाए तो एक कंकर उनके चरणों में जाकर तारा बन जाए बेटी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ ना बापू, क्यों नहीं हो सकता? यही तो मेरी बेबसी है बेटी कि मैं कुछ नहीं बता सकता। बापू तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कल तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। बेटी हाँ बापू, अगर तुम नहीं बताओगे तो देवी कर दो मैं उनके चरणों में जान दे दूंगी। बताओ ना बापू, डॉक्टर बाबू से ब्याह क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बेटी, ब्याह से पहले तेरा बाप डॉक्टर बाबू को जान से मार डालेगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे बापू? मैं नहीं बेटी, मैं नहीं, मेरा छोटा भाई डाकू लाखन सिंह। लाखन सिंह छोटा भाई? हाँ बेटी, वही तेरा असली बाप। जिस दिन तेरा जन्म होने वाला था उस दिन लाखन एक आदमी के पास रुपये मांगने गया, रुपये देने के बदले उसने उसकी हंसी उड़ाई, जिस पर होश हवास खोकर लाखन उस पर टूट पड़ा। मारपीट में उस आदमी की जान चली गई, कानून के डर से लाखन फरार हो गया। इधर तेरा जन्म होते ही तेरी मां चल बसी, लाखन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। बदनामी से बचने के लिए उस गांव को छोड़कर मैं तुझे यहां ले आया, इसलिए कि लोग ये न कहे कि तू एक डाकू की बेटी है। लेकिन डॉक्टर बाबू ने उसका क्या बिगाड़ा है? बेटी, तू तो जानती है कि डॉक्टर बाबू के पिता एक बहुत बड़े पुलिस अफसर हैं, जो बरसों से लाखन का पीछा कर रहे हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। इसलिए लाखन उनके बेटे को अपना दामाद कभी नहीं बनने देगा। बेटी, मैं उसे ढूंढूंगी और पूछूंगी, अगर वो मेरा बाप है तो उसे मेरी दुनिया बर्बाद करने का क्या हक है? फुलवा, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि डाकू लाखन सिंह और उसके साथी काली घाटी के आसपास की गुफाओं में छिपे हुए? मैं झूठी खबर लेकर आऊंगा हुजूर आपके पास,
मैं इस इलाके का गुरु बाबा कहलाता हूँ। इस इलाके का कौन सा गांव, कौन सी घाटी ऐसी है जिसकी मुझे खबर नहीं है। तुम जा सकते हो। तो सरकार, मैंने पता बताया है तो 1000 का इनाम मुझे मिल जाएगा ना। ठीक है ठीक है, अभी तुमने पता बताया, हो सकता है कि तुम्हारी खबर गलत हो। सूली पे चढ़वा दीजिएगा हजूर, अगर मेरी खबर गलत निकल जाए। अच्छा, अभी तुम जाओ। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर। ये सर, तुम फौरन पुलिस फोर्स लेकर काली घाटी। ऑलराइट। तुम लोग जल्दी घोड़ों पे बैठ जाओ, काली घाटी की तरफ से होके निकल जाएंगे। चलो इंस्पेक्टर, तुम अपने आदमी को लेके बाहर घेरा डाल दो और सीओ ग्रुप तुम मेरे साथ आओ। सेक्शन नंबर 3, राइट लेफ्ट एक्शन। तुम चली जा, चली जा, मैं कोई भी नहीं हूं, मैं कोई भी नहीं हूं। बताते क्यों नहीं कौन हो तुम? चली जा भगवान के लिए, चली जा फुलवा। फुलवा, तुम मुझे कैसे जानते?
बेटी बाप को नहीं पहचानती, लेकिन बाप तो अपनी बेटी को पहचानता है। तो तुम लाखन हो? हाँ। मुझे बाप उसे सब मालूम हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकली हूँ। दुनिया को लूटने वाला डाकू भी अपने बच्चों का सुख नहीं लूटता, मगर तुम अपनी बेटी का सुख लूटना चाहते हो। तुम तो एक डाकू से भी बुरे हो। बोलो बोलो डॉक्टर बाबू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो डॉक्टर बाबू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये खून तुम्हें बताएगा कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। तुम जख्मी हो? हाँ, और जानती हो ये जख्म मुझे किसने पहुँचाया है? तुम्हारे डॉक्टर बाबू के बाप ने। लेकिन इसमें डॉक्टर बाबू का क्या कसूर है? काश मेरे दुश्मन के बेटे को देखने के लिए तुम्हारे पास मेरी आंखें होती। मेरी बात सुनो, मेरी बच्ची, मुझे दयाल भैया के पास ले जाओ। मैं अपने आखिरी वक्त में उनके पांव पड़कर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर बाबू के पास ले चलूंगी, वो तुम्हें बचा लेंगे। चलो बापू। वो मुझे कभी नहीं बचाएगा, मैंने उस पर गोली चलाई है। ऐसा ना सोचो बापू, वो तो भगवान है। चलो। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, चलो ना बापू, चलो ना, चलो। कौन? लाखन सिंह, तुम? इनको गोली लगी है डॉक्टर बाबू, भगवान के लिए इनको बचा लो, भगवान के लिए इनको बचा लो। डॉक्टर बाबू, मुझे बहुत कुछ कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दो डॉक्टर बाबू, थोड़ी सी जिंदगी दे दो। बुलवा, ऑपरेशन का सामान तैयार। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अस्पताल के अंदर है डाकू लाखन सिंह, जिसने कितनों के घर उजाले, कितनों की जाने ली। ऐसे आदमी को डॉक्टर ने अस्पताल में छुपाया, ये तुम लोगों को मंजूर है? नहीं, 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 नहीं। देखते क्या हो, उसको अपने कब्जे में कर लो, वो जख्मी है, वो हमारा कुछ कुछ नहीं कर सकता। चलो क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ फुलवा हट जा, ये अस्पताल चोर डाकुओं के लिए नहीं है। यहाँ किसी का भी इलाज हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा, हम उसे पुलिस के हवाले करेंगे। अरे आगे बड़े कोई माई का लाल एक एक को देख लूंगी। हाँ बाबा का अपमान, देख के जाओ। चलो। और क्यों मचा रहे हो? ठीक शोर मचा रहे हैं। डॉक्टर, उस डाकू को हमारे हवाले करो, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। आओ चलो अंदर। जान फंस लेंगे, पहले ऑपरेशन करके गोली निकाल लो। फिर देख रहे हो भाइयों, ये डॉक्टर ऐसे आदमी की जान बचाना चाहता है जो अच्छा होकर दूसरे की जान से खेले। बरसों तक ये ढोंगी घोगर बाबा तुम लोगों की जान से खेलता रहा, फिर भी तुम लोग इसके बहकावे में आ गए। लेकिन ये डाकू तो आपकी भी जान लेना चाहता था। ठीक है, लाखन मेरी जान लेना चाहता था, मुझे मारना चाहता था। अगर मैं भी उसे मौत के हवाले कर दूं तो एक डाकू और डॉक्टर में फर्क ही क्या रहा? इस वक्त वो मरीज है और मैं डॉक्टर। मगर वो अपराधी है। मैं जानता हूँ, पहले उसकी जान बच जाए फिर मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। मैं उसे पुलिस के हवाले करूं। मैं सब समझता हूं बेटा, तू उसे हवाले करेगा? उसे पुलिस के हवाले करना हमारी जिम्मेदारी है। देखा भाइयों, कितनी सांठगांठ। वो अच्छा होने पर हम पर गोली चलाएगा या पुलिस के आ जाएगा? पर डॉक्टर, सीधे सीधे उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। खबरदार जो अंदर आया तो। जिस डॉक्टर बाबू ने हमारी इतनी सेवा की उस पर तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं? लाओ ऑपरेशन की तैयारी। देखते क्या हो, घुसो अंदर। माई बाप, बहुत अच्छा। वो डाकू है ना? डाकू अस्पताल के अंदर है।
अंदर है। कहाँ चले जाए, खबर मैंने दिया है, इनाम भी मुझे ही मिलना चाहिए। आधा मुझे मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर आपका रास्ता मेरे रास्ते से टकरा ही। जी हाँ, मैंने ये भी कहा था डीआईजी साहब, जब ऐसा वक्त आएगा आप मुझे वहीं खड़ा पाएंगे जहां आपके पांव हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। हॉस्पिटल की तलाशी लो। तलाशी की कोई जरूरत नहीं, आपका अपराधी मेरे हॉस्पिटल में। तो आप मुजरिम को हमारे हवाले कर दें, उसके नाम वारंट। लेकिन उसकी जान खतरे में, मैंने ऑपरेशन का इंतजाम किया, ऑपरेशन हो जाए फिर आपका मुजरिम आपके हवाले। ठीक है, हम ऑपरेशन होने तक इंतजार करें, लेकिन आप हमें मुजरिम की शिनाख्त कर लेना। कार्रवाई कानूनन जरूरी है डॉक्टर साहब। ठीक है, अगर आप मुजरिम को देखने चाहते हैं तो डीआईजी साहब आप अकेले मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। चलिए। कहाँ चला गया? तो आपने मुझे बहस में उलझाकर मुजरिम को फरार होने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए मेरे साथ चलिए। डाकू लाखन सिंह फरार हो। मर गया बाबा। अब क्या होगा? अभी नाम तू ही ले ले बेटा, मैं तो चला। बाबा मुझे नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर। यस सर। सारे गांव में तलाशी शुरू कर। ऑल राइट सर। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम सेक्शन बी के सिपाहियों को लेकर गांव की तलाशी करो। ओके सर। डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। 30,000 रुपया। डॉक्टर ने सत्याघात कर दिया। हाँ। नहीं तो मैं लाखन के बच्चे को जमरा। तुम्हें 20,000 का इनाम चाहिए ना? हम जैसे डाकू की जिंदगी कभी कोई असूल होता, मगर तुम्हारी जिंदगी का कोई असूल नहीं, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। जिंदा रहने का भी कोई। ले चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? बाप होकर बेटे को गिरफ्तार कर रहे हैं? आपको दया नहीं आती? कानून दया का कायल नहीं, वो बाप बेटे के रिश्ते को नहीं मानता। माँ, माँ घबराओ मत, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन हौसला रखो, हौसला रखो। जा रहा हूँ, मैं जाने लौट कर कब आऊँ। आप लोगों से यही प्रार्थना है, इस हॉस्पिटल को बर्बाद न होने दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ही नहीं, आप सबका है। शायद कल मेरी तरह सपने देखने वाला कोई दूसरा नौजवान यहाँ आए, उसे कम से कम ये बुनियाद तो मिल सकेगी जिस पर वो इमारत खड़ी कर सके। अच्छा भाइयों, राम राम। ठहरो। डॉक्टर बाबू को छोड़ दिए। यह है आपका अपराध लाखन। डॉक्टर साहब, जो इलाज करना हो जल्दी कीजिए। चलो लाखन। चलिए डॉक्टर बाबू, अंदर जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। मैं अस्पताल से इसलिए भाग गया था कि अगर ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते तो 20,000 रुपए का इनाम जो मेरे सर पर था वो मेरे भाई को न मिलता। डॉक्टर साहब, आपको याद है आपने एक दफा कहा था कि कोई नेक काम करो, वो 20,000 रुपए
मैं आपके अस्पताल के लिए देख करता हूँ, उसे कबूल कर दीजिए। मैंने अपने भाई दयाल से पूछ लिया है, उसे कबूल कर दीजिए। चलो तुम्हारे लिए देखिए, मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। साहब जैसा सलूक ये डॉक्टर बाबू ने मेरे साथ किया, अगर दुनिया ने किया होता तो आज मैं डाकू ना होता, आज मैं डाकू ना होता, आज मैं डाकू ना होता। डॉक्टर बाबू तो जिंदगी का है। डॉक्टर बाबू ये सच्चे मोतियों की माला मैं तुम्हारे गले में पहना रहा हूँ, मुझे यकीन है कि तुम इसे तोड़ कर नहीं फेंकोगे, इसलिए कि तुम सच्चाई के देवता हो, तुम सच्चाई के देवता। साहब मेरी बच्ची बेगुनाह है, मासूम है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी गुनाह का साया इस पर नहीं पड़ने दिया। से माफ कर दो, अगर आप मेरी बच्ची को अपने कदमों में कबूल कर लेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटी इरादों की तस्वीर। अरे अरे वाह रे कंपाउंडर। फुलवा मैंने तुमसे कहा था ना, दिन में जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका दूसरा नाम है इरादा। देखो ना कितना खूबसूरत हॉस्पिटल बना है।